दुपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम दीपाकर्ण। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आय धान्य पूर्णिमा, देश भर धान्य पर्व दान करवाक परंपरा। गुरुंग समुदाय में नया वर्ष के खुशियाली में मनाओल जा रहा है लोहसार पर्व। अख्तियार द्वारा राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक नेपालगंज शाखा कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुद्दा कल गया दायर। नकली सरकारी कागज पेश कर ऋण प्रवाह केने लागल आरोप। 21 दिन भीतर भुगतानी नहीं पैलो तो फिर से आंदोलन करब कह के उखक किसान दलन चेतावनी। निर्धारण मूल्य से कम मूल्य देवे वाला उद्योगी के कार्यवाही कलन मांग। कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप वितरण में विलंब भेल कहे ट्रंप के आलोचना। निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं होबाक संकेत। मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लिश प्रीमियर लीग के दोसर स्थान में पहुंचल। वॉल्व्स ऊपर 1-0 के संघर्षपूर्ण जीत। आ पूरा समाचार। धान्य पूर्णिमा आई देश भर धान्य पर्व दान करित मनाओल जा रहल अछि। अन्न बाली सब में लोकप्रिय मानल जाय वाला धान घर घर में राखलाक बाद हर्षक खुशी पूर्वक धान्य पूर्णिमा मनाओल जायत अछि। एहि अवसर में अन्नपूर्णा, पाथी भरा, सीमे भूमि सहितक देव पितृ के पूजा कऽ कन्या सब के धान दान करबाक चलन अछि। धान्य पूर्णिमा के दिन काभरे के धनेश्वर, भक्तपुर के दोदात्रेय, रानीकोट, बाघ भैरव, अंतरलिंगेश्वर, नुआकोट के दुपसेश्वर में मेला लागे थे। इम्हर कर्णाली क्षेत्र में आजुक दिन गैडी पूजा सेहो कल जाते। कतौ धान के ढेरी बनाब कऽ अन्न के पर्वत दान करबाक परंपरा सेहो रहल। पूर्वी नेपाल के किरातु क्षेत्र में धान्य पूर्णिमा के दिन धान नाच करित उधौली पावन मनाओल जाते। लेक में ठंडी बढ़ला बाद गाय में लौक गर्मी हो वाला स्थान या समतल दिस एवाक कृषि सभ्यता के आधार में उधौली पावन मनेबाक शुरू भेल मानल जाइत अछि। आजुक दिन किरांत समुदाय भाई भैयारी आ सखी बहिनपा सब खुला स्थान में जमघट भ ढोला झालक ताल में गीत गावत समूह में सिली नाच करैत अछि। काठमांडू उपत्यका में बासोबास क धान खेती करवला नेवार समुदाय धान्य पूर्णिमा के दिन योमरी पुनही पावन मनेबाक चलन रहल अछि। नवधानक आटा से चाकू, खुआ तथा अन्य पुष्कर पदार्थ राखिक योमरी बनाब क धानक भखारी में राखि देवता के चढ़ेबाक प्रसाद के रूप में रिश्तेदार सबके देल जाइत अछि। योमरी पुनही के दिन गांव बस्ती में बउआ बुजी सब घर घर में जाकर गीत गावत योमरी संकलन करवाक चलन सेहो रहल। अहि वर्ष धान्य पूर्णिमा के दिन पुष 15 गते पड़ला से गुरुंग वा तमु समुदाय में नया वर्ष के खुशियाली तमो लोहसार मनाओल जाते। कतौ कतौ सबसे छोट दिन मानिक साँझ खुदी राख बनाओल गेल खाना खिचर खेबाक चलन रहल। आजुक नेपाली साहित्य कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड़ेल के याद में लेखनाथ जयंती सेहो मनाओल जा रहल। धान्य पूर्णिमा के एक ही दिन अनेक दिवस पावन पड़ला बादो कोरोना वायरस के कारण अबेर जमघट सब प्रभावित भेल। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय नेपालगंजक लेल तत्कालीन प्रबंधक ललित बहादुर शाही सहित 8 गोटे विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुद्दा दर्ता करौलक अछि। शाखा कार्यालय सँ कर्मचारी अधितो मूल्यांकनकर्ता समेत के मिलो मतों में नकली सरकारी कागजात पेश कऽ कर ऋण प्रवाह करैत भ्रष्टाचार भेल आरोप लगाबैत विशेष अदालत में मुद्दा दायर कयल गेल अछि। आयोगक प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी के अनुसार मुद्दा दायर कयल गेल 7 गोटे विरुद्ध जनही 1.25 करोड़ रुपया बीगो दावी कयल गेल अछि। 1 गोटे विरुद्ध 75 लाख रुपया बीगो दावी कयल गेल अछि। उखक किसान सब 21 दिन भीतर में उद्योगी सब सँ सबटा भुगतानी नहीं पैलो तो फेर से आंदोलन करबाक चेतावनी देलनि अछि। निश्चित कयल गेल मूल्य सँ 36 रुपया कम में मूल्य निर्धारण कऽ भुगतानी करनिहार उद्योगी सब पर कार्यवाही होबय पड़बाक किसान सभक मांग अछि। सरकार किसान बीच सोम दिन साँझ 21 दिन भीतर में उद्योगी सबसे सब रकम भुगतानी दियाब के समझौता भेल। सरकार 21 दिन भीतर में भुगतानी नहीं देवला उद्योगी के कार्यवाही करबाक प्रतिबद्धता जाहिर कला बाद विश्वास कर समझौता के ने उन किसान सबके कहबै। मुदा ई अवधि भीतर में सब भुगतानी नहीं भेटल तो फिर से काठमांडू आबिक नया स्वरूप में आंदोलन करबाक किसान सबके कहबै। उही किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष राम स्वार्थ राय अपने सब उद्योगी से 90 करोड़ रुपया लेब पड़बाक में उद्योगी सब 65 करोड़ रुपया मात्र भुगतानी देव के बाकी भेल बतौला बाद छानबीन क भुगतानी दियाब संबंध में समेत सहमति भेल बतौने। आपके 21 दिन भीतर में किसान के 65 करोड़ रुपया भुगतानी हेबाक बताओल गेल। बाकी रकम छानबीन के रिपोर्ट अयला बाद सरकारें भुगतानी करा देबाक जिम्मेवारी लेने उही किसान संघर्ष समिति के सचिव हरिश्याम राय बतौने। छानबीन समिति में उद्योग, गृह, अर्थ आ कृषि मंत्रालय के दिशा एक एक गोट प्रतिनिधि रहबाक भेल। तहिना उद्योगी से 1 गोट, किसान से 3 गोट आ उही किसान संघर्ष समिति से 2 गोट कक 10 गोटे के छानबीन समिति गठन करवाक समझौता सेहो भेल।
तीनजना किसान र हामी सङ्घर्ष समितिबाट चाहिँ नि दुईजना छ। यो पाँचजना चाहिँ नि यता भयो, चारजना चाहिँ नि सरकार तर्फबाट भयो, एकजना चाहिँ नि उद्योगपतिबाट भयो। र 21 दिनभित्रमा जति भुक्तानी हामीहरूको 65 करोड जुन सरकारले भनिएको छ त्यो 65 करोड भुक्तानी गराउने, हाम्रो जुन दाबी छ कि हामीहरूको 90 करोड बकियौता छ लिनको लागि, त्यसको लागि एउटा छानबिन समिति बन्छ। सरकार उद्योगी के पासपोर्ट जफत कने, बैंक खाता रोका कने, जमीन बिक्री में रोक लगुने आ भुगतानी नहीं देवला उद्योगी के पकड़ाओ करके आदेश कने, पत्र देखला बाद रकम भुगतानी नहीं करवा उद्योगी के कार्यवाही हेत कही के विश्वस्त भेल किसान सब के कह पैसा। सरकार निर्धारण मूल्य से 36 रुपया कम मूल्य निर्धारण कर भुगतानी करवला उद्योगी सबके सेहो कार्यवाही कर पड़वाक आ ब्याज सहित रकम असूली होबो पड़वाक किसान सबक मांग रहल। हामीहरूले 90 करोड भनी रहेछु, अर्को कुरो के भनेको छु भने हामीहरूलाई यति मतलब जे ऋणमा डुब्यो हाम्रो किसान, त्यसमा चाहिँ नि हामीले के भनेको छु भने त्यसको ब्याज समेतको चाहिँ नि हामीहरूलाई चाहिँ नि हुनुपर्छ। उही किसान सब उद्योगी सब भुक्तानी दिया देवाक मांग करैत अगहन 28 गते से काठमांडू के माइतीघर मंडला में रहकर आंदोलन करते आ रहा छल। बीतल वर्ष से आंदोलन कने किसान सब सरकार की उपस्थिति में 1 महीना भीतर में भुक्तानी भेटवाक समझौता कर घर घूमल छल, मुदा उद्योगी सब 1 वर्ष धरि सेहो भुक्तानी नहीं देवलात किसान सब फेर से आंदोलन कर काठमांडू आई पहुँचल छल। प्रतिनिधि सभा विघटन का निर्वाचन घोषणा करनिहार सरकार के मंत्री परिषद विस्तार करवाक अधिकार नहीं रहल दावी सहित सर्वोच्च अदालत में रीट निवेदन दर्ता कैल गेल। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के विपक्षी बनाकर निवेदन दर्ता करौलन। विश्वव्यापी मान्यता अनुसार काम चलाओ सरकार देश के दैनिक कामकाज मात्र संचालन कऽ सकैत अछि कहैत निवेदन में सरकार के मंत्रिपरिषद में नवका नियुक्ति हेरफेर आ कार्य विभाजन करबाक अधिकार नहीं रहल उल्लेख अछि। पुस 10 गते शुक्र दिन प्रधानमंत्री ओलीक सिफारिश में मंत्रिपरिषद में कैल गेल नवका नियुक्ति हेरफेर आ कार्य विभाजन के बदर करबाक मांग सेहो कैल गेल। साथे रीट में आब मंत्रिपरिषद से आर नियुक्ति हेरफेर आ कार्य विभाजन नहीं करबाक लेल आदेश जारी करक लेल मांग समेत कैल गेल। तहिना कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम रहला कारण स्वास्थ्य मापदंड के पालन करैत निर्वाचन प्रचार प्रसार आ मतदान सहितक प्रक्रियाक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करबाक हेतु सेहो मांग कैल गेल। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आब बाकी समाचार। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 7 से 8 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल। एही संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,59,548 पहुँचल। मंगल दिन बढ़ल संक्रमित सब में से 270 महिला आ 438 पुरुष रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देने 24 घंटा में 6,135 नमूना परीक्षण कैल गेल छल, जाहि में 7 से 8 गोटे में संक्रमण देखल गेल। तहिना पिछला 24 घंटा में 731 गोटे डिस्चार्ज सेहो भेल छथि। एही संगे हाल धरि कोरोना पर विजय प्राप्त करयवला के संख्या 251,312 पहुँचल मंत्रालय जनौलक। हाल देश भरि सक्रिय संक्रमित के संख्या 6,396 रहल। पिछला 24 घंटा में कोरोना से 8 गोटे के मृत्यु भेल, संगे कोरोना से मृत्यु होयवला के संख्या 1,840 पहुँचल मंत्रालय जनौलक। सरकार नेपाली भूमि काला पानी से भारतीय सेना हटेबाक लेल पहल करबाक तैयारी में। आबवला समय में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक भारत भ्रमण में एहि विषय में प्रस्ताव आगू बढ़ाओल जेबाक कहल गेल। सरकार नेपाली भूमि लिपुलेख लिम्पिया धुरा कालापानी सहित के नया नक्शा जारी कला बाद वही के कार्यान्वयन में अग्रसरता देखने ऐसा। सरकार अब नेपाली भूमि कालापानी से भारतीय सेना हटवाक योजना में लागल ऐसा। राजधानी में मंगल दिन आयोजित एक कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अगला दिन में होबला भारत भ्रमण के क्रम में वही के बारे में प्रस्ताव कैल जवाक बताने ऐसा। कुरा गर्नको लागि जानुहुन्छ, त्यो केवल छाप्ने मात्रै होइन, त्यो नापी विभागले छापेको नक्सा मात्रै होइन, त्यो राष्ट्रिय शक्तिको प्रतिनिधि बनेर अब केपी ओली भारतका नेताहरूसित भारत सरकारसित कुरा गर्न जानुहुन्छ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेपाली पडोसी देश भारतसँग समुद्र सम्बन्ध रहल उल्लेख गरेर राष्ट्रियताकै सवालमै ओली नेतृत्वको सरकार नै झुक्वाको दावी समेत गर्न छ। हामी हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता यसको पक्षमा हामी दृढतापूर्वक हुनुहुन्छ। हामीले चिनसित मात्र होइन भारतसित पनि छिमेकीको हिसाबले व्यवहार गर्नुपर्छ। भारतका सामान्यमा जाँदा पद पाउनको लागि गिडगिडाउने कुरा होइन, आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेल जनचाहना राष्ट्रियताकै पक्षमै काज गर खोज्ला छ। पार्टी भित्रकै किछु नेता सब सरकारकै विरोध गर्नेमै उपराग सेहो गर्न छ। पूरा गर्ने योजनाका साथ लाग्न खोज्नुहुन्छ, किन त्यसको विरोध हुन्छ यो बुझिन सक्छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेल सरकार र राष्ट्रियताकै पक्षमा रहल पार्टीकै साथ दिव आग्रह समेत गर्ने छ। राजनीतिक ब्युरो जनता टेलिभिजन। अब आर्थिक समाचार। किस दिन पहिने काठमाडौँ के नक्साल तरकारी बाजार सँ शुरू कयल गेल QR कोड सेवा आब सब दिस शुरू करबाक तैयारी कयल जा रहल अछि। आब हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्था अपन शाखा कार्यालय नजदीक रहल तरकारी बाजार में QR कोड सेवा शुरू करत। राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी आब सब तरफ QR कोड सेवा शुरू करय पड़बाक बतौलनि अछि। एहि सेवा सँ डिजिटल भुगतानी के प्रोत्साहन करय में मदद भेटत। अधिकारी कहब छन्हि, गवर्नर अधिकारी कोरोना कारण उत्पन्न भेल एखन के अवस्था में QR भुगतानी सुरक्षित रहलाक कारण आब वाला एक वर्ष भीतर देश भर QR कोड संचालन होयत बतौलनि अछि। एहि सेवा सँ तरकारी बाजार में गेला पर रकम अपन साथ में राखय पड़बाक झंझट के अंत होयत राष्ट्र बैंक के दावी अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति में निर्वाचित जो बाइडन कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप वितरण में ट्रंप प्रशासन विलंब कर रहल आरोप लगौलनि अछि। ट्रंप प्रशासन सन 2020 के अंत धरि 2 करोड़ अमेरिकी नागरिक के खोप वितरण क लेबाक चाही छल, मुदा ट्रंप नहि क सकलनि कहैत बाइडन आलोचना कयलनि अछि। एखन धरि अमेरिका में जमा 21 लाख व्यक्ति मात्र कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप प्राप्त कयलनि अछि। बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण केने 100 दिन में 10 करोड़ अमेरिकी के कोरोना वायरस विरुद्ध खोप वितरण करबाक शपथ लेने छला आ ओ सन 2021 के जनवरी में पदभार ग्रहण कऽ रहल छथि। कोरोना वायरस महामारी कारण विश्व में सबसँ प्रभावित देश अमेरिका छी आ कोरोना वायरस के नियंत्रण के लेल सबसँ प्रभावकारी माध्यम खोप के मानल गेल अछि। अब खेलकूद समाचार। मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लिश प्रीमियर लीग के दोसर स्थान में पहुंचल अछि। ओल्ड ट्रैफोर्ड में काल रात भेल खेल में इंजरी समय में बढ़ाओल गेल 3rd मिनट में मार्कुस राशफोर्ड गोल केलाक पश्चात यूनाइटेड वल्व्स ऊपर 1-0 के संघर्षपूर्ण जीत हासिल करय में सफल भेल अछि। एहि जीत सँ यूनाइटेड लेस्टर सिटी आ एवर्टन के पाछू छोड़ैत दोसर स्थान में पहुँचैत सफल भेल अछि। यूनाइटेड के 15 खेल सँ 30 अंक भेल अछि। 16 खेल खेलने लेस्टर आ 15 खेल खेलने एवर्टन के समान 29 अंक अछि। तँ शीर्ष स्थान के लिवरपूल के 32 अंक अछि। पराजित वल्व्स 21 अंक सहित 12th स्थान में अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। आइ धान्य पूर्णिमा, देश भर धान्य पर्व दान करबाक अछि परम्परा। गुरुंग समुदाय में नया वर्ष के खुशियाली में मनाओल जा रहल अछि लोहसार पर्व। अख्तियार द्वारा राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक नेपालगंज शाखा कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुद्दा कयल गेल दायर। नकली सरकारी कागजात पेश कर ऋण प्रवाह केने लागल अछि आरोप। 21 दिन भीतर भुगतानी नहि पेलो तो फेर से आंदोलन करब कहकर उखड़ किसान दलन चेतावनी। निर्धारण मूल्य सँ
कम मूल्य देवे वाला उद्योगी के कार्यवाही कलन में। कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप वितरण में विलम्ब भेल कहे ट्रंप के आलोचना, निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं होबाक संकेत। मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लिश प्रीमियर लीग के दोसर स्थान में पहुंचल वर्ल्ड सुपर 1-0 के संघर्षपूर्ण जीत। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के अन्य कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट jantasamachar.com में सेहो पढ़ देखा सुनि सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता, कोरोना वायरसक संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।